समझ सकते हो इन टर्म में, बराबर बराबर भाई, एकदम बराबर। 98 पे यार इसका इंजन पता नहीं कैसे 98 पे खींचने लग जा रहा है। सो हेलो, वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आप मेरे राइट हैंड पे देख सकते हो TVS Ntorq रेस एडिशन, बीच में देख सकते हो मारुति सुजुकी वर्गमैन, और लेफ्ट में देख सकते हो सबसे होंडा एक्टिवा 6G। तो भाई समझ सकते हो वो 110 सीसी की, ये 125 सीसी और ये आपकी 125 सीसी। इसमें ये रेस एडिशन है, उसमें भाई कोई एडिशन नहीं है, नॉर्मल है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, ये भी स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बाकी दो इनके मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ। इसका आपको ऐसा मीटर मिलता है जिसमें कि आपको स्पीड मीटर, गियर इंडिकेटर, ऑयल का मिल जाता है इंडिकेटर, बाकी इको पावर और मिल जाता है, यहाँ पे एवरेज मिल जाता है, यहाँ टाइम मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हैजार्ड का बटन मिल जाता है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो Ntorq में मिलती हैं। और भाई अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई वर्गमैन का मीटर। तो आपको यहाँ एक तो हैंडल ऐसा मिलता है एकदम स्पोर्ट्स बाइक वाला, और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीड इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको ट्रिप मिल जाती है कितने किलोमीटर तक, यहाँ आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ आपको पेयरिंग का दिख जाता है इंडिकेटर, यहाँ टाइम। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। बाकी इसमें तो आपको वही नॉर्मल मिलता है एक्टिवा में, यहाँ पे फ्यूल और यहाँ RPM बस, और यहाँ किलोमीटर जितना भी चल गई है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तीनों में अपन एक करने वाले हैं ड्रैग रेस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आपका हेडलाइट भाई इसकी बहुत ही प्यारी भाई, यहाँ जो आपका Ntorq तो यार बात ही अलग है भाई, वर्गमैन की भी थोड़ी अलग दिखती है भाई, वर्गमैन एकदम सब में डिफरेंट। तो अब मैं भाई प्राइस की बात करूँ तो 1,17,000, 1,10,000 और वो 1,00,000। तो भाई प्राइस का भी यही है, और वेट का भी 100 kg, 110 kg और 118 kg। तो मतलब प्राइस के हिसाब से ही वेट रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई भाई चला रहे हैं Ntorq, मैं चला रहा हूँ भाई की, ये समझ रहे हो वर्गमैन, तो और जतन चला रहा है भाई एक्टिवा। तो समझ लो तीनों में कितनी घमासान टक्कर होने वाली है। आ जाओ बराबर में, आओ बराबर में, बराबर में। ओके तीन हॉर्न दूंगा, ठीक है तीन हॉर्न। ओके स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। लो जी इनिशियल पर Ntorq भाई आगे जाएगी। ओ भाई लो जी Ntorq तो गई, Ntorq गई, लेकिन टक्कर होने वाली है बहुत ज़्यादा Ntorq में, और इसमें टक्कर होने वाली है। और एक्टिवा तो गई पीछे, एक्टिवा रह गई पीछे Ntorq में, और इसमें टक्कर होने वाली है। समझ सकते हो Ntorq में बराबर बराबर भाई, एकदम बराबर। 98 पे यार इसका इंजन पता नहीं कैसे 98 पे खींचने लग जा रहा है, और Ntorq गई भाई आगे, समझ रहे हो Ntorq गई आगे। ओ भाई साहब क्या लगता है भाई, 98 Ntorq चल रही है आगे, एक्टिवा रहेगी सबसे पीछे, एक्टिवा सबसे पीछे भाई। Ntorq सबसे आगे और वर्गमैन बीच में, 98 पे इसका लिमिटर आ रहा है क्या आ रहा है पता नहीं, लेकिन 98 से ये ऊपर नहीं जा रही, आप देख सकते हो यहाँ पे पता नहीं, देखो और मैं डाउन पोस्चर हो जा रहा हूँ एकदम। 98 ही देखो, 98, 99 तो हो जाए कम से कम, देखो भाई नहीं हो रही, 98 ही रह रही है ये, समझ रहे हो। लो जी
98 ही रह गई है भाई, कितना गंदा, बहुत ज्यादा गंदा हो गया भाई। यही था, बाकी एक्टिवा तो बहुत ज्यादा पीछे है इसमें भाई। ये ग्रीन लाइट जल रही है इको, जैसे कि अब इंजन पे हीट नहीं पड़ रही है और जब से इंजन पे लोड पड़ रहा था। तो देख सकते हो भाई एंटॉर्क में भाई पावर है, एंटॉर्क में मानना पड़ेगा। 70 तक चली जा रही है 3 सेकंड में। हाँ हाँ, तो भाई देख लो आप, एक्टिवा तो पीछे रह गई, उसे भाई रहना भी था 110 केजी, ये 100 आपकी वो, सॉरी वो 110 सीसी और ये आपकी 125 सीसी, ये भी आपकी 125 सीसी। तो भाई तीनों में आपने देखा कंपैरिजन, एंटॉर्क क्लियरली विन हुई है। बाकी और क्या बताएं भाई आपको, 125 इन दोनों में टक्कर सोच रहे थे होगी, बट थोड़ी बहुत रही। तो होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करते रहें कि हमें क्या क्या कॉन्टेंट डालना चाहिए।